तो देखिए, क्या बता रहे थे आपको कि दो पार्ट में हम देखते हैं इसको, किसको? अर्ली एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट ऑफ ड्रोसोफिला बिफोर हैचिंग। सो फर्स्ट वन इज 9 राउंड्स ऑफ सेल डिवीजन। टोटल 13 राउंड्स होते हैं, सेकेंड में 4 राउंड्स। तो 9 राउंड्स के सेल डिवीजन में ये सिंसिशियल क्लीवेज हुआ। ओके, यानी न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट हुआ बट सेलुलर डिवीजन नहीं हुआ। नॉट अकर्ड बट न्यूक्लियर डिवीजन अकर्ड। एज ए रिजल्ट ऑफ विच कितने सेल्स बन गए? 9 राउंड के बाद कितने सेल्स होंगे? पहला राउंड में 1 से 2 हुआ, उसके बाद 8 राउंड्स और बचे, तो 2 टू द पावर इसका फिर हो जाएगा, ये 1 राउंड में हो गया, फिर 2 टू द पावर 8। 2 टू द पावर 8 इज इक्वल टू कितना होगा? 8, यानी 2 पर पावर 3 होता है तो 8 होता है ना, तो 2 4 8 8 होता है, तो 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 3 6 तो हो जाएगा 8 × 8 ना, और फिर 3 3 6 फिर 2 2 पावर 4 ये हो गया आपका 64 × 4 = 256। 256 सेल तक ये इनमें सिंसिशियल डिवीजन होते रहे, न्यूक्लियर डिवीजन। उसके बाद और ये सारे न्यूक्लियाई जो है बीच में, एंड दे आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड बीच में, उसके बाद दे माइग्रेट टुवर्ड द कॉर्टिकल रीजन आफ्टर दिस, एंड देयर 4 राउंड्स ऑफ डिवीजन अकर्स। ओके, एंड एट द सेम टाइम साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस आल्सो स्टार्ट। ओके, बट कंप्लीट साइटोप्लाज्मिक कंप्लीट सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म्स ऑफ ऑल दिस सेलुलर कंपार्टमेंट्स बियरिंग 1 न्यूक्लियस ईच हैज नॉट टेकन प्लेस। सो इन द सेकेंड स्टेप अब इसका होगा 4 राउंड, फिर 256 को क्या करेंगे? गुना दो 256 × 8 = 64 कितना सेल हो गया? 6 × 24 = 2 × 2 = 2 × 2 = 4 × 2 = 8 × 2 = 10 ठीक, 6 × 36 = 3 6 × 36 = 33 6 × 3 = 16384 इतने सेल्स हो गए आफ्टर 4 राउंड्स सेकेंड के। तो अब जब 9 राउंड हो गया, उसके बाद कॉर्टिकल रीजन में माइग्रेट कर गया, उसके बाद सेल डिवीजन 4 राउंड पे यहीं पर चलेंगे। एट द एंड ऑफ द 4th राउंड जब 16,384 सेल हो जाएंगे, उस समय तक पर जाकर के साइटोप्लाज्मिक डिवीजन विल बी कंप्लीटेड। वहां पर 9th 13th राउंड के एंड में सेल जो है सब अलग अलग हो जाएगा, इनके साइटोप्लाज्म का डिवीजन भी हो जाएगा। साइटोप्लाज्म का डिवीजन 1st से लेकर 9th तक कुछ नहीं हुआ, 9th के बाद स्टार्ट हुआ। अब आगे और अच्छा फिगर है बताएंगे, 9th के बाद स्टार्ट हुआ। ओके, 13 डिवीजन के बाद ये साइटोप्लाज्म कंप्लीट हो गया, और 13th डिवीजन के 1 डिवीजन 2 डिवीजन पहले ही कुछ सेल्स इससे अलग हो जाते हैं, दे आर कॉल्ड एज पोल सेल्स, एंड दे डेवलप लेटर
into primordial germ cells. These are the pole cells. 13 division से के पहले कुछ cells differentiate के अलग हो और बाकी cells जो रहते हैं वो somatic रहते हैं. सर यहाँ पर 16 होता है ना सर? कहाँ पर 64 जो लिखे हैं सर, 222 करके चार लिखे हैं ना, 16 होता सर. सही 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 सही. जैसे 4096 होता. 4000 कितना होता है? 2 × 4 = 16. 4096. 4096. हाँ ठीक. ठीक है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया, थैंक यू. अब देखिए यहाँ पर, यानी ये 4096 सेल्स बनने से पहले, 13th सेल डिवीजन कंप्लीट होने से पहले, यहाँ चौथा राउंड में से भी तीसरा राउंड से पहले कुछ सेल्स अलग हो गए, ओके, और दे बिकम पोल सेल्स. तो ये हो गया जनरल. यहाँ हो गया इसका अर्ली एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट, आफ्टर दैट इट हैचेज. ओके, तो कब हैच कर रहा है ये देखिए, इस फिगर को आप देखिए, आपको टाइम पॉइंट समझ में आएगा. सर क्या बोले सर, जो 4096 सेल्स है वो 12th साइकिल तक चलेगा सर? नहीं, ये 13th साइकिल के बाद आया ना, लेकिन 12th साइकिल के बाद ये 4096 हो जाएगा. देखो 4096 से थोड़ा कम होगा, क्योंकि 12th साइकिल में कुछ सेल्स अलग हो गए डिफरेंशिएट होकर के, ओके, एंड दोज सेल्स आर पोल सेल्स. उसके बाद एक साइकिल और चला सोमेटिक डिवीजन सेल्स का, सेल डिफरेंशिएट करके पोल सेल्स विल बिकम जर्म सेल्स एंड अदर सेल्स विल बिकम सोमेटिक सेल्स, दे विल बिकम पार्ट ऑफ बॉडी. 2 घंटा में ये सर 13th जो है वो है सर, क्या बोले हो? साइकिल मतलब ये 4012 साइकिल में और 13 साइकिल में इससे ज्यादा होगा सर, ये एग्जैक्ट यही होगा. नहीं समझ रहे आपका सवाल को सर. वो आप ये जो आप 4096 सेल्स बोल रहे हैं बने हैं, ये कौन सा साइकिल में बने हैं सर? 13 साइकिल के बाद. अच्छा, 13 साइकिल हुआ ना, 13 साइकिल जो है फर्स्ट, ये अर्ली एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट में ये 13 साइकिल्स, ये 13 साइकिल्स को होने में कितना घंटा लगेगा? हर एक साइकिल को होने में 8 मिनट लगता है. यहाँ पर रेट ये है, बहुत फास्ट ये साइकिल कंप्लीट होता है, 8 मिनट. 8 × 13 कर लो, 91. कितना हो गया? 96 होता है 13. हम नहीं बता रहे हैं, तुम लोग को पारा नहीं आता है मतलब. एक 104 104 ठीक है. तो ये 104 मिनट के बाद 13 साइकिल इसका कंप्लीट हो जाएगा. यानी यहां पर देखिए 2 घंटा लिखा हुआ है, 2 आवर्स. इस स्टेज पर ये फिगर जो है, दिस इज आफ्टर 13 राउंड्स ऑफ द cell division. So at this stage you can see that the regions of the embryo is specified here. This region of the embryo will become part of abdomen, this region will become part of thorax, and this region will become part of head. So here you can see that the segmentation has started in early embryogenesis stage only. Okay. Later on, this segmentation continued, and this we will discuss later. अभी आगे discuss करेंगे. पहले आप
इस पार्ट को समझिए, ये पार्ट का पार्ट ए ही है अभी, ओके। यहीं पर आपको फिर एक्सिस और पैटर्न डेवलपमेंट समझ में आएगा, ओके। यहां पर तो आपने देखा सेल का डिस्ट्रीब्यूशन, सेल कैसे पेरिफेरी पर जा रहा है, ओके। और ये क्या बन जाता है आपका, दिस हैज ये जो बन जाता है आपका ब्लास्टोसील, नो दिस इज नॉट ब्लास्टोसील, ओके आगे होगा। 13 साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा सर? 2 आवर्स ही। 13 साइकिल कंप्लीट होने में 104 मिनट लगा, और 2 घंटा में होता है 120 मिनट, यस, ओके। तो ये लगभग यहाँ जो 2 घंटा है, दिस इज आफ्टर 13 साइकिल, एंड आफ्टर 13 साइकिल द रीजंस आर स्पेसिफाइड, ओके। और ये रीजन जो स्पेसिफाई हो रहे हैं, ये किस वजह से हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉर्फोजेंस, बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ मॉर्फोजेंस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉर्फोजेंस, ओके। यहां पर तो आपको सिर्फ सेल का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सेल कैसे कैसे अरेंज हुआ। अब इनके अंदर मॉर्फोजेन का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, अब उस पर गौर कीजिए। इतना कंप्लीट है तो आगे बढ़ेंगे। यस सर। सर लास्ट पार्ट फिर से सर, वो 2 आवर्स वाला। ये देखो, आफ्टर 2 आवर्स डेवलप, ये एक्चुअली आफ्टर 2 आवर्स क्या कंडीशन है, ये हम बता रहे हैं 2 घंटा तक। इसी के पहले मॉर्फोजेन डिटरमिनेंट्स जो है, मॉर्फोजेनेटिक ग्रेडियंट्स जो है, वो ऊसाइड से ही है, लेवल से, ऊसाइड के स्टेज से ही है, समझे। आफ्टर 2 आवर्स जो है आपका सेल्स आर प्रेजेंट इन द पेरिफेरी, ओके, एंड दिस सेलुलर डिवीजन हैज कंप्लीटेड, ऑल सेल्स आर हैविंग, ऑल सेल्स आर सेपरेट नाउ, हैविंग, दे आर ऑल हैविंग देयर ओन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिफोर दैट न्यूक्लियाई वेयर शेयरिंग द कॉमन साइटोप्लाज्म, ओके। सो दिस प्रोसेस स्टार्टेड एट दिस 10th डिवीजन, after 9th division cytoplasmic processes started growing and isolate, it starts isolating, and that isolation completes after 13th division. After that you observe this type of structure where the pole cells have been formed and these are consisting of somatic cells. तो बस इतना ही अभी इसमें समझो। अब इसमें मेन जो है आपको मॉर्फोजेनेटिक डिटरमिनेंट्स जो है, मॉर्फोजेनेटिक मॉर्फोजेंस का इसमें डिस्ट्रीब्यूशन अब आप समझिए इसमें, ओके। इतना क्लियर हुआ? तो मॉर्फोजेंस का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ऊ साइट के लेवल पर भी है, और ऊ साइट के बाद फर्टिलाइजेशन के बाद भी अर्ली इम्ब्रियोजेनेसिस में भी पूरा डेवलपमेंट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉर्फोजेन आर अपीयरिंग, देयर ग्रेडियंट्स आर फॉर्म्ड, एंड अकॉर्डिंग टू दैट ग्रेडियंट स्ट्रक्चर्स आर डेवलप्ड। सो वी विल सी नाउ अर्ली changes, okay, so pattern, early changes which are deciding the pattern formation and the axis development, how this axis is determined, how these structures are formed, who are determining these head regions, will head structures related with head will appear in this region, not in the posterior region or the tail region, head thorax will be followed by head, not head will be followed by thorax, okay.
After that, abdomen will come. So this is this type of pattern is determined by the gradient of some of the morphogens that I'm going to enlist now. Itna clear hai? Yes, sir. Now see, इसमें आपको इस फिगर को छोटा कर देता हूं और इसका काम नहीं है. ये भी हो गया आपको. इसके पहले आप जानिए कि देयर आर सम मैटरनल इफेक्ट जीन्स बिकॉज एंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी ऑफ द एम्ब्रियो लार्वा एंड एडल्ट हैज इट्स ओरिजिन इन द एंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी ऑफ द एग इटसेल्फ. कहने का मतलब हुआ कि एंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी जो एम्ब्रियो में आता है वह एंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी पहले से ही एग में तय हो जाता है. ऐसा नहीं है कि वो फर्टिलाइजेशन के बाद तय होगा कि ये दिस पार्ट विल बिकम हेड दिस पार्ट विल बिकम एब्डोमेन. वो पहले ही, आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात को, पहले ही मतलब उस साइड के लेवल पर ही तय हो जाता है. कैसे तय हो जाता है? बिकॉज ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ, पहले इसको छोटा करो, इसको पहले बिकॉज ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ सम मैटरनल इफेक्ट जीन्स. आप लिखिएगा एक्सप्रेशन ऑफ मैटरनल इफेक्ट जीन्स एक्सप्रेस्ड इन द मदर्स ओवरी मदर्स. दिख रहा है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है क्या लिख रहे हैं? सो आर यू गेटिंग? यस सर. ओवरी प्रोड्यूस मैसेंजर आरएनए एक्सप्रेशन ऑफ प्रोड्यूस मैसेंजर आरएनए दैट आर प्लेस्ड इन बहुत इंटरेस्टिंग है प्लेस्ड इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द एग ओके एंड दिस एक्सप्रेशन ऑफ मैटरनल इफेक्ट जीन्स ये क्या लिखे हैं एक्सप्रेस्ड फिर लिख दिए क्या मैटरनल इफेक्ट जीन्स इन द मदर्स ओवरी प्रोड्यूस मैसेंजर आरएनए दैट आर प्लेस्ड इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द एग एंड दीज मैसेजेस एनकोड ट्रांसक्रिप्शनल एंड ट्रांसलेशनल रेगुलेटरी प्रोटीन्स लिखोगे एंड द जीन प्रोडक्ट्स एंड द जीन प्रोडक्ट्स
म्यूट कर लीजिए. प्रोडक्ट्स एनकोड नहीं एनकोड नहीं एंड द जीन प्रोडक्ट्स आर ट्रांसक्रिप्शनल. माइक म्यूट करो इसका. कलर बदल देते हैं. एंड द जीन प्रोडक्ट्स आर ट्रांसक्रिप्शनल एंड ट्रांसलेशनल. रेगुलेटरी प्रोटीन्स पहले इसको समझ जाओगे तुरंत समझ जाओगे. ओके रेगुलेटरी प्रोटीन्स दैट डिफ्यूज थ्रू द सिंसिशियल फ्यूज टी एच आर ओ टू सिंसिशियल सिंसिशियल ब्लास्टोडर्म एंड एक्टिवेट. लंबा लाइन है. एक्टिवेट और रिप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ सर्टेन जायगोटिक जीन्स. देखिए इसको समझिए. एक्स मैटरनल जीन्स हो गए जब ऊ जेनेसिस चल रहा था तभी, यानी वो मदर में एक कई मदर हुई उसके जीन्स जो है ऊ जेनेसिस के दौरान ही उस एग के अंदर, क्योंकि ऊ जेनेसिस जब तक चल रहा है एग इज पार्ट ऑफ एग इज बिलोंगिंग टू मदर, वो मदर का सेल कहलाएगा. इसीलिए लिखे मैटरनल इफेक्ट जीन. सो जब तक ऊ जेनेसिस चल रहा है इन इन द मदर्स ओवरी प्रोड्यूसेस, क्योंकि एग को अदर सेल्स असिस्ट करते हैं नर्स सेल्स. नर्स सेल्स में ट्रांसक्रिप्शन होता है कुछ प्रोटीन्स का, जैसे अभी बाइक्वाइड का नाम लिए, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन होता है कुछ मैसेंजर आरएनए का, जैसे फॉर एग्जांपल अभी बाइक्वाइड का नाम लिए थे बाइक्वाइड मैसेंजर आरएनए, इसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ कहां पर नर्स सेल्स में, और नर्स सेल से ये एंटर कर गया ऊ साइट में. ओके ये भी फिगर में आपको हम दिखाएंगे. तो आप यहां समझिए कि मदर्स ओवरी के अंदर ही तो नर्स सेल में प्रोड्यूस हो रहा है, नर्स सेल्स के जीन्स डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, और ट्रांसक्रिप्शन किसका हो रहा है बाइक्वाइड जीन का. बाइक्वाइड जीन का उस डीएनए सेगमेंट का ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो बाइक्वाइड का मैसेंजर आरएनए बना नर्स सेल्स में, और नर्स सेल्स से बाइक्वाइड मैसेंजर आरएनए इज एंटरिंग इन द ऊसाइट. ओके एंड इन द ऊसाइट इटसेल्फ इट इज डिपॉजिटिंग एट द एंटीरियर एंड. सो नाउ हियर इन द ऊसाइट एंटीरियर एंड इज फिक्स्ड at this stage itself, because to that site bicuspid messenger RNA is deposited and it does not diffuse across the cytoplasm of the oocyte, it is anchored.
इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू द एंटीरियर पोर्शन ऑफ दिस एग ओनली। स्टूडेंट समझ में आ रहा है? उसके बाद मदर्स, तो क्या हुआ, ये मदर्स ओवरी में ही प्रोड्यूस हो रहा है मैसेंजर आरएनए बायक्वाइड का, और भी बहुत सारे मॉर्फोजेंस हैं उनके भी आगे नाम बताएंगे, जैसे नैनोस है, हंचबैक है, आपका एक है काउडल प्रोटीन है, ओके। सो ये सब के भी मैसेंजर आरएनए ऊसाइट में डिपॉजिट हो रहे हैं नर्स सेल्स के द्वारा, ओके सॉरी, कुछ का नर्स सेल्स के द्वारा, कुछ का ऊसाइट के अपने आप ऊसाइट से ही। तो नर्स सेल से बायक्वाइड प्रोटीन का मैसेंजर आरएनए आता है, और नर्स सेल से ऊसाइट के अंदर, और ऊसाइट से काउडल प्रोटीन का मैसेंजर आरएनए आता है, वो हम दिखाएंगे बताएंगे आपको अभी, समझो। तो कहने का मतलब हुआ बहुत तरह के मॉर्फोजेनेटिक मॉर्फोजेंस हैं जो ओवरी में प्रोड्यूस हो रहे हैं पूरे गोनाड में डिफरेंट लोकेशंस में, और वहां से उस साइट में एंटर कर रहे हैं, ओवरी में प्रोड्यूस हो रहा है, नर्स सेल्स में प्रोड्यूस हो रहा है, और उस साइट में आ रहा है, दैट आर प्लेस्ड इन डिफरेंट रीजंस ऑफ द एग, ओके। जैसे बायक्वाइड प्लेस हुआ एंटीरियर रीजन में, तो नैनोस नाम का प्रोटीन मैसेंजर आरएनए जो है वो प्लेस होता है पोस्टीरियर रीजन में, हंचबैक नाम का, और सर ये अलग अलग पैटर्न्स को क्रिएट करता, फॉर्म करता है। यस, हंच, अभी देखते जाओ उसका क्या क्या कर, हंचबैक का मैसेंजर आरएनए प्लेस होता है पूरे साइटोप्लाज्म में इवेनली उस साइट का, लेकिन इसका बाद में चूंकि हंचबैक को जो है वो नैनोस के साथ बाइंड कर जाता है, हंचबैक का मैसेंजर आरएनए जो है उसके साथ नैनोज का प्रोटीन बाइंड कर जाता है, तो हंचबैक का मैसेंजर, आगे बताएंगे, हंचबैक का मैसेंजर आरएनए का ट्रांसलेशन नहीं हो पाता है, तो नैनोज पोस्टीरियर रीजन में रहता है, वहां हंचबैक चूंकि वेनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हंचबैक का जीन प्रोडक्ट पोस्टीरियर रीजन से गायब हो जाता है, ये हम बताएंगे आपको। अभी हम आपको ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, इस डिफिनेशन को समझिए कि डिफरेंट रीजन्स ऑफ द एग में ये मैसेंजर आरएनए प्लेस हो जाते हैं, जिससे बायक्वाइड एंटीरियर रीजन में मैसेंजर आरएनए बायक्वाइड का, और नैनोस का पोस्टीरियर रीजन में, और हंचबैक का इवेनली, और काउडल का भी इवेनली, दो इवेनली रहते हैं, हंचबैक के इवेनली पूरे साइटोप्लाज्म में, क्रॉस साइटोप्लाज्म सेम कंसंट्रेशन है उस साइट के लेवल पर। अभी फर्टिलाइजेशन के बाद फिर ये बदलेगा, कैसे बदलेगा, क्योंकि दूसरे प्रोटीन प्रोडक्ट के साथ इनका इंटरेक्शन होने वाला है, इसलिए बदलेगा। तो ये हो गया हंचबैक, हंचबैक का भी पूरे साइटोप्लाज्म में इवन कंसंट्रेशन है, कोई ग्रेडियंट नहीं है, और आपका काउडल, काउडल का मैसेंजर आरएनए नहीं होता है, काउडल का प्रोटीन होता है जो कि डिपॉजिट होता है, काउडल प्रोटीन, बट हंचबैक का मैसेंजर आरएनए पूरे साइटोप्लाज्म में, और आपके एक सेकेंड, और नैनोस जो है वो हुआ आपका पोस्टेरियर रीजन में, नैनोस अभी दिखाएंगे, अगर बायक्वाइड को आप एंटीरियर से हटा दोगे, ठीक है,
अगर बाइक्वाइट के जीन को नॉकआउट कर दो तो क्या होगा, हेड फॉर्म ही नहीं होगा, थोरेक्स फॉर्म ही नहीं होगा, क्या फॉर्म हो जाएगा उसके जगह, एब्डोमेन फॉर्म हो जाएगा, लंबा एब्डोमेन बन जाएगा, तो वो लीथल म्यूटेशन है। सर ये सब एक में है सर, हाँ ये सारा जीन एक में, ये सारा जीन जो है वो एक में प्रेजेंट है या जाइगोट में सर आप जो बोल रहे हैं? देखो एग में, एग में ये जाइगोटिक जीन से ना सर, जीन जाइगोट्स में भी है, मदर में भी है, एक्सप्रेस जो हो रहा है मदर में हो रहा है, मदर के ओवरी में एक्सप्रेस हो रहे हैं ये जीन्स, जैसे अभी बताए हम आपको कि ओवरी में नर्स सेल्स जो हैं वो उन नर्स सेल्स में ये मैसेंजर आरएनए बन रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, वहां से मैसेंजर आरएनए एंटर कर रहा है ओवरी के एग के उस साइट के अंदर, और उस साइट के क्या लिखा हुआ है, मैसेंजर आरएनए मैटरनल इफेक्ट, एक्सप्रेशन ऑफ मैटरनल इफेक्ट जीन्स इन मदर्स ओवरी प्रोड्यूस मैसेंजर आरएनए दैट आर प्लेस्ड इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द एग, उस साइट के डिफरेंट रीजन में वो रख दिए जाते हैं, जैसे आप कोई सामान घर से लाए तो सब्जी किचन में रखोगे, ओके, बुक को रूम में रखोगे, ठीक है, तो उसी तरह डिफरेंट मैसेंजर आरएनए जो है एग में डिफरेंट डिफरेंट रीजन में प्लेस कर दिए जाते हैं, प्लेस हो गया जाते क्या है? वो वहीं पर चला जाएगा, जैसे बाइक्वाइड जो है वो आ गया आपका एंटीरियर रीजन में मैसेंजर आरएनए, ये हो गया बाइक्वाइड, और नैनोज पोस्टीरियर रीजन में, और हंचबैक पूरा इवेनली डिस्ट्रीब्यूटेड मैसेंजर आरएनए, ये सब मैसेंजर आरएनए है, प्रोटीन नहीं है, ऊ साइट के अंदर, और कॉर्डल भी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड दिख रहा है फिगर, क्या बहुत छोटा बना दिया? यस सर, दिख रहा समझ में आ गया, कॉर्डल भी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हंचबैक भी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है एट द ऊ साइट लेवल, बट बाइक्वाइड मैसेंजर आ रहे हैं, कॉर्डल प्रोटीन इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, हंचबैक मैसेंजर आरएनए इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, बीसीडी बाइक्वाइड मैसेंजर आरएनए इज कंसंट्रेटेड टुवर्ड्स एंटीरियर रीजन, या आप कह लो कि बीसीडी जिस रीजन में कंसंट्रेटेड है वही रीजन एंटीरियर रीजन के रूप में डेवलप होता है, बीसीडी ही तय कर रहा है, बाइक्वाइड प्रोटीन तय कर रहा है एंड और बाइक्वाइड के साथ हंचबैक भी तय करता है दोनों मिल करके, अब कहोगे हंचबैक तो पूरे में एक साथ है तो कैसे तय कर रहा है, क्योंकि नैनोस जो है वो हंचबैक के एक्सप्रेशन को नष्ट कर देता है, हंचबैक का मैसेंजर आरएनए है ना, हंचबैक का प्रोटीन काम का है वो करेगा इफेक्ट, तो मैसेंजर आरएनए के 3' अनट्रांसलेटेड रीजन से ही नैनोस जो है, नहीं नैनोस एक और एसेसरी प्रोटीन होता है वो बाइंड कर जाता है, तो हंचबैक का मैसेंजर आरएनए का ट्रांसलेशन नहीं हो पाता, तो प्रोटीन नहीं बन पाता है, ठीक है, तो नैनोज जहां पर एक्सप्रेस होगा वहां से हंचबैक गायब हो गया, तो नैनोज चूंकि पीछे एक्सप्रेस हुआ, ओके, तो हंचबैक के मैसेंजर आरएनए जो पोस्टीरियर रीजन में है वो एक्सप्रेस नहीं हो पाते हैं, तो हंचबैक के मैसेंजर आरएनए जो एंटीरियर रीजन में है वो एक्सप्रेस हो जाते हैं, तो एंटीरियर रीजन में ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज बाइक्वाइड प्लस हंचबैक, एंड इन द पोस्टीरियर रीजन ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज नैनोस प्लस काउडल, काउडल क्यों बचता है पीछे में, क्योंकि बीसीडी जो है बाइक्वाइड वो काउडल प्रोटीन के, सॉरी ये प्रोटीन नहीं है, ये भी मैसेंजर आरएनए है, काउडल मैसेंजर आरएनए, बीसीडी प्रोटीन जो है कॉडल मैसेंजर आरएनए के 3' यूटीआर यानी अनट्रांसलेटेड रीजन, जहां पर स्टॉप कोडन हो गया मैसेंजर आरएनए, उस स्टॉप कोडन के बाद कुछ और है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, टू दैट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस दैट दिस बाइक्वाइड प्रोटीन बाइंड्स बीसीडी,
और इस बाइंडिंग की वजह से काउडल मैसेंजर आरएनए का एक्सप्रेशन, जैसे हंचबैक का रुका, हंचबैक का रोका नैनोस, काउडल का रोकता है बाइक्वाइड। तो जिस रीजन में बाइक्वाइड है उस रीजन में काउडल प्रोटीन नहीं आता है, तो एंटीरियर रीजन में हो गया काउडल के मैसेंजर आरएनए, यहां पर उनका एक्सप्रेशन रुक गया क्योंकि बीसीडी प्रोटीन काउडल मैसेंजर आरएनए के साथ बाइंड कर गया, उसका एक्सप्रेशन रोक दिया। और पोस्टीरियर रीजन में हंचबैक मैसेंजर आरएनए का एक्सप्रेशन रुक गया क्योंकि नैनोस जो है वो हंचबैक के मैसेंजर आरएनए से बाइंड कर गया और उसका एक्सप्रेशन नहीं हुआ। तो एंटीरियर रीजन में आपके हो गए बीसीडी प्लस हंचबैक, दीज टू फैक्टर्स डिसाइड द एंटीरियर स्ट्रक्चर्स ऑफ ड्रोसोफिला। एंड इन द पोस्टीरियर रीजन हो गए नैनोस प्लस काउडल। तो कहने का मतलब हुआ कि ये दैट आर प्लेस्ड इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द एग। अब आप समझ रहे हो डेफिनेशन कि दीज मैसेंजर आरएनएज आर सिंथेसाइज्ड फर्स्ट इन द ओवरी, ओके, इन द सेल्स अदर देन ओसाइट, एंड देन इट इज एक्युमुलेटेड इन द ओसाइट इन डिफरेंट रीजन्स। Okay. After that, and the gene products are transcriptional and translational regulatory proteins. They are gene products. Yani BCD gene product ho gaya, BCD mRNA ka nanos gene product ho gaya, nanos protein is the gene product of nanos messenger RNA. These proteins are either translational regulatory proteins or transcriptional regulatory proteins. या तो ट्रांसक्रिप्शन को रोकेगा किसी दूसरे प्रोटीन के मैसेंजर आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन को रोकेगा या बढ़ाएगा, या ट्रांसलेशन को रोकेगा या होने देगा। ये रेगुलेटरी प्रोटीन है। और यह प्रोटीन जब प्रोटीन बनता है तो दैट प्रोटीन डिफ्यूजेस, ये डिफ्यूज कर गया, ये मोर्फोजेनेटिक ग्रेडियंट बन गया। तो डिफ्यूज किया तो एंटीरियर साइड से, अब बताएंगे आपको दीज रेगुलेटरी प्रोटीन दैट डिफ्यूज थ्रू सिंसिशियल ब्लास्टोडर्म। सिंसिशियल ब्लास्टोडर्म कहते हैं जब जिस स्टेज पर, अभी आपको दिखाए थे एक फोटो जिसमें सारे सेल्स जो है 4000 कितना नंबर आया था, दैट उतना नंबर होने के बाद दैट इज कॉल्ड एज सेलुलर ब्लास्टोडर्म, वेयर द cell division is complete, that is cellular blastoderm. When the blastoderm cell division is not complete, that stage is syncytial blastoderm. Cell division is not complete, cytoplasmic membranous processes has appeared, this stage is after till 9th is that फर्स्ट नाइन राउंड ऑफ डिवीजन के बाद ये शुरू होता है। तो दिस इज फ्रॉम 10th to 13th सेल डिवीजन में ये दिस स्टेज परसिस्ट, दैट स्टेज इज कॉल्ड एज सिंसिशियल ब्लास्टोडर। और एट द एंड ऑफ 13th डिवीजन this syncytial blastoderm turns into cellular blastoderm where cell division completes. तो ये हो गया syncytial blastoderm। जब syncytial blastoderm स्टेज पर ही है तो ये मैसेंजर आरएनए जो है वो इन